गाजियाबाद से जगन्नाथ जी फिर से जुड़ गए। जगन्नाथ जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। अरे कहाँ चले गए थे, फोन नहीं उठा रहे थे। हाँ जी बोलिए सर। मेरे पास 50 शेयर है। हाँ। देवानी के, देवयानी के है, 199 के पास। बस देवयानी को तो, लिया है 199 के भाव पर, अभी चल रहा है 150 शेयर। सरवन जी क्या किया जाए देवयानी इंटरनेशनल पे? भेज दो। हाँ पूछना अभी सरवन जी, बताओ रखें कि बेच दें? देखिए इनका दायरा क्या है, एक बार मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कितने दिन खड़े रहना चाहते हैं ना जी? कितने दिन तक रखे रहेंगे जी? कितने दिन तक जगन्नाथ जी इसमें बने रह सकते हैं आप? समय की कोई पाबंदी नहीं है, 6 महीने साल रख सकता हूँ मैं। अब बताओ सरवेन जी, समय की कोई पाबंदी नहीं? नहीं समय की कोई पाबंदी नहीं, तो आई थिंक ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहे। और यहाँ पे भी मैं इनको ये बोलूंगा कि भाई देखिए ऑलरेडी आप नुकसान में है, ये स्टॉक अगर किसी कारण से 150 के नीचे ट्रेड होने लगे डिसाइसिवली, 148 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा ले और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, 1 से 3 महीना दे दें, तो डेफिनेटली थोड़ी रिकवरी होने की चांसेस है, क्योंकि मंथली कैंडल अभी तक तो ठीक बन रहा है। मतलब एज ऑफ नाउ मैं देखूं अभी 4-5 दिन बाकी है, बट मंथली कैंडल फिलहाल तो ठीक बन रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे 148 के स्टॉप लॉस से। ओके तो इसमें ये राय बन के निकल के आ रही जगन्नाथ जी आपकी। सरवेन जी अगर आदमी वक्त का गुलाम ना हो तो क्या पैसा बना सकता है? बिल्कुल, अगर आदमी वक्त का गुलाम नहीं है तो पैसा बन सकता है, पेशेंस अगर आप करेंगे तो बिल्कुल पैसे बनते हैं सर। बट मैं तो मानता हूँ कि मार्केट को टाइम करना चाहिए। नहीं तो जो अगर आप तो टाइम करना चाहिए तो उसके लिए ना अभी पेशेंस से आपको बाहर बैठना भी तो आना चाहिए। हाँ। अगर आप, मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो एक ब्रॉड, अगर 100 लोगों से बात करता हूँ तो 70 से 75 लोगों की पोर्टफोलियो लास्ट 1.5 साल में नीचे ही है। बहुत ही रेयर लोग हैं जिनके पास सारे अच्छे नाम, आउट परफॉर्मिंग वाले नाम है। तो और आप म्यूचुअल फंड्स को भी देख लीजिए तो रिटर्न्स उतने खास नहीं है लास्ट 1.5-2 सालों में। तो आई थिंक वो पेशेंस, बाजार से बाहर बैठना भी आना चाहिए कि जब जब पोर्टफोलियो 15-20-25% गिरने का रिस्क हो, 30% गिरने का रिस्क हो, उस समय बेचना आना चाहिए और बाद में नीचे लेना आना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रेड विद इन योर ट्रेड या पोर्टफोलियो ट्रेडिंग। 4-5 साल में एक बार करनी चाहिए और होनी चाहिए और लोग करते नहीं है। सेंसेक्स हर 4 साल में एक बार 25-30% गिरता है ऑन एन एवरेज, कभी दायरा कम ज्यादा होता है, बट जब हमको मालूम है कि हर 4-5 साल में एक बार इंडेक्स 25-30% गिरेगा, मतलब पोर्टफोलियो उतना या उससे ज्यादा गिर सकता है, तो ऐसे मौकों पर बेचना आना चाहिए और फिर नीचे में लेना आना चाहिए। अगर वो पेशेंस आपके पास है बाहर बैठने का, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे 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 लिए तो मेरे एक्सपीरियंस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जब आप 6-12 महीने बाहर बैठने की भी ताकत रखते हो एंड द रिस्क ऑफ सरवेन जी, बाकी लोग कमा रहे हैं और मैं नहीं कमा रहा हूँ। सरवेन जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जमाने में पेशेंस ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है सब। तो अगर आप HFT करते हैं तो मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 500,000 रुपए से ज्यादा दिन का कोई नहीं कमा सकता है। आप सिंपल ले लीजिए ना, वीकली एक्सपायरी में कितना प्रीमियम रहता है, 150-200 करोड़, 250 करोड़ का प्रीमियम रहता है। 50 लाख ट्रेडर तो सभी नहीं, वो NSE ने बोला हुआ है अपनी रिपोर्ट में, सभी की रिपोर्ट में कि 51 लाख F&O ट्रेडर है। तो 150-200 करोड़ के प्रीमियम में अगर 50 लाख लोग हिस्सा लेने जाए तो एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा? 400 रुपया जी जी। चलिए इसी बात पर फिर निखिल शाह का सवाल ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 1 लॉट ONGC खरीद रखा है, कॉल ऑप्शन 156 वाला 3 रुपए का, बताओ मैं क्या बोलता हूँ? लोग बुरा मान जाते हैं, बट 400-500 रुपए से ज्यादा हफ्ते का काम नहीं है ऑप्शन राइटिंग पर पर्सन। फिर कुछ लोग ज्यादा कमा लेते हैं वो एक अलग बात है, और कुछ लोग तोड़ देते हैं, बट हिस्सा उतना ही है, 500 रुपए हफ्ते का निफ्टी में। आज इनको कितना बनेगा ONGC वालों को? तो इनके पास कॉल स्ट्राइक कौन सा है? मैंने स्ट्राइक नहीं देखा, अप्रैल की लिया है 156 की। तो आई थिंक देखिए है बढ़िया मोमेंटम है चीज, और मेरा हमने जो क्रूड के ऊपर भी चर्चा की, मुझे लगता है क्रूड भी जिस तरह से ओवरऑल सेटअप लग रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि W2A क्रूड यहाँ से और चलेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए, और जो लास्ट एक हफ्ते भर का जो क्लस्टर है जिसकी लोअर एंड तकरीबन 157-158 के आसपास आ रही है, तो आई थिंक 156-140 के स्टॉप लॉस से मेरे ख्याल से ये ट्रेड में बने रहे हैं, ऑप्शन में है, बट भाव इनको देखना पड़ेगा 156-140 ONGC स्पॉट में। जब तक उसके ऊपर है तब तक ट्रेड में बने रहे, और क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से बने रहना है तो 10 से 12 वर्किंग डेज के बाद एक बार दोबारा राय ले अगर पैसे नहीं बन रहे तो। ओके, अगर पैसे नहीं बन रहे हैं तो दोबारा इस पे राय लेना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।